दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सऊदी अरब के नादेक कंपनी के बारे में। नादेक कंपनी 1981 में बना था। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नादेक कंपनी में ड्राइवर कम सेल्समैन की सैलरी कितनी लगती है, ओवर टाइम कितना मिलता है और महीने भर की सैलरी कितने तक आ जाती है। सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको दूंगा। तो अगर आप एक ड्राइवर कम सेल्समैन है और सऊदी अरब की नादेक कंपनी में जाना चाहते हैं तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर मैं गल्फ जॉब से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको मैं बताता हूँ नादेक कंपनी में ड्राइवर कम सेल्समैन की सैलरी कितनी लगती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सऊदी अरब के नादेक कंपनी के बारे में। नादेक कंपनी 1981 में बना था। इसके फेमस प्रोडक्ट है दूध, दही और जूस। और दोस्तों ये फार्मिंग फील्ड में काम करती है, डेयरी फील्ड में काम करती है और एक लिहाज से देखा जाए तो सऊदी अरब का बहुत ही अच्छा कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी है। दोस्तों बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था कि अगर हम सऊदी अरब की नादेक कंपनी में ड्राइवर कम सेल्समैन में जाते हैं तो हमारी बेसिक सैलरी कितनी लगती है, हमारे को ओवर टाइम कितना मिलता है और महीने भर की सैलरी कितनी कहा जाती है। तो ये आज का वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है। दोस्तों नादेक कंपनी में अपना एक दोस्त रहता है, उससे हमारी फ़ोन पर बातचीत हुई थी तो उससे हमने पूछा था कि भाई आपकी कंपनी में ड्राइवर कम सेल्समैन की बेसिक सैलरी कितनी लगती है और वो महीने भर में कितना कमा लेता है। तो जो जानकारी उसने दी वो जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों ड्राइवर कम सेल्समैन की बेसिक सैलरी 1500 प्लस 200 खाने का लगता है और इसमें 3500, 4000, 4200 तक ड्राइवर लोग बना लेते हैं। और दोस्तों आप किसी भी फील्ड में काम करो, इसमें सैलरी बहुत अच्छी आती है और इसकी फैसिलिटी भी बहुत अच्छी रहती है और एक लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा कंपनी है दोस्तों। और दोस्तों बात करें सैलरी आने की कि भाई कितनी तारीख को आती है, तो इसमें 25 से लेके 1 तारीख तक ATM में सैलरी आ जाती है। और दोस्तों मेडिकल और इंश्योरेंस भी कंपनी का रहता है। और दोस्तों बात करें इसमें छुट्टी की, भाई इसमें छुट्टी कितने दिन से मिलती है, कितने दिन की मिलती है, तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 2 साल से आपको 42 दिन की छुट्टी मिलती है। वैसे तो छुट्टी तो एक्स्ट्रा भी मिल जाती है, 2-3 महीने की भी मिल जाती है, लेकिन आपको 42 दिन के पैसे मिलते हैं, आने जाने की टिकट मिलती है। और बात करें इमरजेंसी छुट्टी की, तो इमरजेंसी छुट्टी में अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आपको छुट्टी का एप्लीकेशन लगाना पड़ता है, आपको छुट्टी मिल जाती है लेकिन आपको टिकट अपनी लेनी पड़ती है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं किसी कंपनी का वीडियो बना रहा हूँ तो उस कंपनी ने मेरे को पैसा दिया है या उस कंपनी को मैं प्रमोट कर रहा हूँ। दोस्तों मेरा एक छोटा सा मकसद है कि मेरा कोई भी भाई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से अगर विदेश आता है तो अच्छी कंपनी में आए, अच्छी सैलरी पे आए, मेरा मकसद यही रहता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको सऊदी अरब की नादेक कंपनी में ड्राइवर कम सेल्समैन की सैलरी कितनी लगती है और महीने भर की कितनी सैलरी आ जाती है इसके बारे में जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।